हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू एडिटेक। दोस्तों, 2017 ख़त्म ही होने वाला है और इस साल में जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत से स्मार्टफोन जो अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन बताऊँगा जो कि इस साल के बेस्ट स्मार्टफोन रहेंगे, जो कि स्पेशली जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें जो है अंडर 5000, अंडर 7000 और अंडर 10000 रुपीज़ है। ये वीडियो का पार्ट वन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आने वाले समय में आपको और भी पार्ट मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी स्मार्टफोन मैंने अपने लिस्ट में ऐड किया है, ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने लिस्ट में ऐड किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडर 5000 रुपीज़ के स्मार्टफोन की बात करूँ तो जो थर्ड नंबर पे आता है आईवोमी कंपनी का मी 3 स्मार्टफोन। दोस्तों, अंडर 5000 रुपीज़ में आपको ज़्यादातर जो है 1GB रैम वाला स्मार्टफोन ही मिलता है, लेकिन आईवोमी मी 3 में आपको जो है 2GB की रैम मिल जाती है, 16GB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया, जिसको आप चाहे तो SD कार्ड के थ्रू 128GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। आईवोमी मी 3 में आपको जो है 5.2 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि शटर प्रूफ डिस्प्ले है। 1.3 GHz पे क्वाड कोर मीडिया का MT6737 का प्रोसेसर मिल जाता है। 8 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट और रियर दोनों कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको दोनों कैमरे में जो है LED फ्लैश भी दिया गया है। 3000 mAh की आपको इसमें जो है बैटरी मिल जाता है। दोस्तों, सेकेंड नंबर पे आता है देश का स्मार्टफोन यानी शाओमी का रेडमी 5 है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है, जिसमें आपको जो है प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर UI है काफ़ी बढ़िया है। रेडमी 5A में आपको जो है क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिलता है और एड्रेनो का 308 का GPU दिया गया है, जो कि इनके MIUI 9 पे काम करता है, जिसको आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज कर सकते हैं। रेडमी 5 में आपको जो है 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया, जिसको आप चाहे तो 256GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 5 इंच की HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको 2.5D कट ग्लास मिल जाता है। 13 MP का आपको इसमें जो है रियर कैमरा दिया गया है एंड 5 MP का ही आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। एंड ऑफ द ईयर में लॉन्च हुआ टेनोडी स्मार्टफोन को जो है मैंने अपने लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखा है, जो कि आपको अंडर 5000 रुपीज़ में बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टेनोडी स्मार्टफोन में आपको जो है 5.2 इंच की HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको जो है 2.5D कर्व्ड ग्लास मिल जाता है। 1.4 GHz पे क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर दिया गया है और एड्रेनो का 308 का GPU मिल जाता है। 2GB की रैम दी गई है, 16GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ स्मार्टफोन आता है, जिसको आप चाहे तो 128GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 MP का आपको इसमें जो है रियर कैमरा मिलता है, 5 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा दिया गया है, 3500 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। दोस्तों, अंडर 7000 रुपीज़ के स्मार्टफोन की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स कंपनी का हॉट 4 प्रो, जिसके मेन फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको जो है बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बड़ी बैटरी दी गई है, प्लस आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। इन्फिनिक्स हॉट 4 प्रो में आपको जो है 5.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको जो है 1.3 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक का MT6737 का प्रोसेसर दिया गया है। 3GB की रैम मिलती है, 16GB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया, जिसको आप चाहे तो 128GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 MP का आपको इसमें जो है रियर कैमरा मिलता है एंड 5 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोनों कैमरे में आपको जो है LED फ्लैश भी दिया गया है। 4000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, प्लस उसमें आपको जो है फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आता है शाओमी कंपनी का रेडमी 4, जिसमें आपको जो है प्रीमियम डिज़ाइन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, प्रोसेसर भी जो है काफ़ी बढ़िया है, जो कि 3 वेरिएंट में आपको जो स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें 2GB रैम, 16GB रोम वाला वेरिएंट का प्राइस जो है 7000 रुपीज़ है। शाओमी के रेडमी 4 में आपको जो है 5 इंच की HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास मिल जाता है। 1.4 GHz पे क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिलता है और एड्रेनो का 505 का GPU दिया गया है। 13 MP का आपको इसमें जो है रियर कैमरा मिलता है, 5 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा दिया गया है। 4100 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, प्लस आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। दोस्तों, मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है हाल ही में लॉन्च हुआ इनफोकस कंपनी का विजन 3, जिसमें आपको जो है फुल विजन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें बेजल बहुत ही कम मिलते हैं, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है और साथ ही आपको इसमें जो है ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है। इनफोकस विजन 3 में आपको जो है 5.7 इंच की HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको 2.5D कट ग्लास मिल जाता है। इसमें आपको जो है 2GB की रैम दी गई है, 16GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ स्मार्टफोन आता है। आप चाहे तो हाइब्रिड सिम स्लॉट के तो 128GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं।
1.3 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक का MT6737 का प्रोसेसर मिल जाता है आपको। इसमें जो है 13+5 मेगापिक्सल के ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप दिया गया, जिससे आप जो है इजीली बुके इफेक्ट वाले पिक्चर कैप्चर कर पाओगे। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। कैमरे से आप जो है बहुत ही अच्छे खासे पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जो एक्स्ट्रा मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें जो है बहुत ही फीचर्स की तरह ही आपको जो है ड्यूल्फी फीचर भी मिल जाता है। 4000 mAh की आपको इसमें जो है बैटरी मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें बैक साइड पे दिया गया है। दोस्तों अंडर 10,000 rupees की बात करूँ तो इसमें आपको जो है बहुत सारे स्मार्टफोन देखने मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जो है अपने लिस्ट में 3 स्मार्टफोन को रखा है, जिसमें जो है थर्ड नंबर पे आता है हुआवे कंपनी का हॉनर 6X, जो कि बढ़िया ही स्मार्टफोन है। साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कैमरा भी इसका जो है ऑसम मिलता है। हॉनर 6X में आपको जो है 5.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसपे आपको जो है 2.5D कर्व्ड ग्लास मिल जाता है। 1.7 GHz पे ऑक्टा कोर किरिन का 655 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 3 GB की रैम दी गई है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। आप चाहे तो हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू 128 GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 12 MP प्लस 2 MP के आपको इसमें जो है ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप दिया गया है, और 8 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 3340 mAh की आपको इसमें जो है बैटरी दी गई है, प्लस फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों सेकेंड नंबर पे आता है शाओमी कंपनी का रेडमी नोट 4, जिसका प्राइस जो है अभी फिलहाल कम हुआ है, जो कि 2017 का जो है बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि इसमें स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। शाओमी के रेडमी नोट 4 में आपको जो है मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही इसमें आपको जो है 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसपे आपको जो है 2.5D ग्लास मिल जाता है। इसमें आपको जो है 2 GHz पे ऑक्टो का स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है, और एड्रेनो का 506 का GPU दिया गया है। इसमें आपको जो है 3 GB की रैम मिलती है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसको आप चाहे तो हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू 128 GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13 MP का आपको इसमें जो है रियर कैमरा मिल जाता है, 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 4100 mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई, विथ फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको जो है बैक साइड पे मिल जाता है। दोस्तों मेरे लिस्ट में मैंने जो है फर्स्ट नंबर पर रखा है टेनोर कंपनी का टेनोर जी स्मार्टफोन, जिसमें आपको जो है ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप दिया गया, जो साथ ही आपको जो इसमें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के साथ एकदम ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। टेनोर जी स्मार्टफोन के 3 GB RAM 32 GB ROM वाले वेरिएंट का जो प्राइस है 10,000 rupees है, जिसमें आपको जो है 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, प्लस आपको इसमें जो है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। टेनोर जी स्मार्टफोन में आपको जो है 2.2 GHz पे ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 626 का प्रोसेसर मिलता है, और एड्रेनो का 506 का GPU दिया गया है। इसमें आपको जो है 3 GB की रैम मिलती है, 32 GB की रोम दी गई है, जिसको आप चाहे तो डेडिकेटेड SD कार्ड के थ्रू 128 GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 13+13 MP का आपको इसमें जो है ड्यूल रेयर कैमरा मिलता है, जिसमें आपको ड्यूल LED फ्लैश दिया गया है। आप रेयर कैमरे से इजीली बुके इफेक्ट वाले पिक्चर कैप्चर कर पाओगे। 16 MP का आपको इसमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, विद सिंगल LED फ्लैश भी आपको जो है फ्रंट कैमरे में दिया गया है। 4000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, विद फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको जो है बैक साइड पे दिया गया है। तो दोस्तों मेरे लिस्ट के बताए हुए ये सभी स्मार्टफोन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन होगा तो वो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं, जरूर मैं उसका आंसर आपको जो है दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल EDTech को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।